नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। भोपाल इंदौर सहित 7 शहरों की हवा प्रदूषित हुई है। जबलपुर सिंगरौली कटनी सागर में प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई है। भोपाल इंदौर ग्वालियर में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। फेफड़े खराब करने वाली हुई है मध्य प्रदेश की हवा। दिल्ली के बाद अब MP की हवा जहरीली हुई है। मध्य प्रदेश के 7 शहरों की हवा प्रदूषित हुई है। जबलपुर सिंगरौली कटनी सागर में प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई है। भोपाल इंदौर ग्वालियर में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंचा है। जबलपुर सिंगरौली कटनी सागर इन 4 जगह पर प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की गई है। 7 शहरों की हवा प्रदूषित हुई है। वहीं भोपाल इंदौर ग्वालियर में तो AQI इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 के पार पहुंचा है। फेफड़े खराब करने वाली हवा है मध्य प्रदेश की। अब दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में हवा जहरीली हुई है और ऐसे में फेफड़े खराब होने का डर है। भोपाल से खबर, दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश की हवा जहरीली हुई है। 7 शहर, ये जो 7 शहर हैं, जबलपुर सिंगरौली कटनी सागर भोपाल इंदौर ग्वालियर, इन 7 शहरों की हवा प्रदूषित हुई है। भोपाल इंदौर ग्वालियर सिंगरौली सागर कटनी जबलपुर, यहां पर हवा प्रदूषित हुई है, जहरीली हुई है MP की हवा। तो अगर इसी रफ्तार से प्रदूषण बढ़ा तो अगले 5 साल में दिल्ली से बदतर हवा हो जाएगी भोपाल इंदौर से 7 शहरों की। तो नवंबर में ग्वालियर का AQI 496 तो भोपाल का 329 तक पहुंच गया है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में सबसे ज्यादा AQI है 496, भोपाल में 329, इंदौर में 319 और जबलपुर में 315 एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। ग्वालियर की बात की जाए तो यहां पे 9 नवंबर को 496 AQI था 9 नवंबर को। भोपाल में 15 नवंबर को 329 पर पहुंचा है AQI। इंदौर में 5 नवंबर को 329 AQI दर्ज किया गया। जबलपुर में 315, 13 नवंबर को 315 दर्ज किया गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये 4 जगह ऐसी जहां पर 300 के प्लस पहुंचा है AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। सबसे ज्यादा प्रदूषण इन शहरों में है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की हवा तेजी से दूषित होती जा रही है। नवंबर के 18 दिनों में भोपाल इंदौर ग्वालियर सहित 7 शहरों को वायु प्रदूषण स्तर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर पहुंच गया, जो बहुत खराब माना जाता है। लंग्स और सांस से जुड़ी परेशानी वाले मरीजों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। कुछ शहरों में तो ये 500 के आंकड़े छूने वाला है, जो गंभीर की श्रेणी में आता है। 15 साल के आंकड़ों का एनालिसिस करने पर निकला कि हर 5 साल में MP की हवा दोगुना दूषित होती जा रही है। यदि इसी रफ्तार से प्रदूषण होता रहा तो अगले 5 साल में यहाँ की हवा दिल्ली से भी बदतर हो जाएगी। प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति जानने के लिए जो है ये तमाम डेटा निकाले गए हैं। सभी जगह 300 के पार ये आंकड़ा पहुंचा है। 4 शहर ऐसे हैं
जहां पर 300 प्लस है। ग्वालियर में 496 9 नवंबर को दर्ज किया गया था। भोपाल में 329 15 नवंबर के आसपास था। इंदौर में 5 नवंबर को 319 AQI दर्ज किया गया। जबलपुर में 315 13 नवंबर को दर्ज किया गया था। तो सभी आंकड़े 300 के पार हैं, ये जहां पर AQI इंडेक्स 300 के पार पहुंचा है। भोपाल की बात करें तो 15 साल में यहां की हवा 4 गुना ज्यादा दूषित हो गई है। नवंबर के 18 दिनों में हवा का औसतन AQI 253.44 हो गया है। 2005 में RSPM यानी कि रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का स्तर 58.60 था। इंदौर में 5 साल में यहां भी प्रदूषण 2 गुना बढ़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अंकुर जी का। अंकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, भोपाल इंदौर सहित 7 शहरों की हवा प्रदूषित हुई है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो अब दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश की हवा भी जहरीली हो गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार देखने में आ रहा पिछले कुछ सालों में वायु प्रदूषण मध्य प्रदेश में भी काफी बढ़ गया है। भोपाल सहित MP के जो 7 शहर है वहाँ पर काफी वायु प्रदूषण हो गया है। और निश्चित तौर पर दिल्ली की बात कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो 7 शहर है यहाँ काफी वायु प्रदूषण बढ़ गया है। आपको आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ों में निश्चित तौर पर नवम्बर के 18 दिनों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 7 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है। नवम्बर महीने में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सिंगरौली, कटनी, सागर में वायु प्रदूषण को लेकर चिंताजनक हालात बनी है। ग्वालियर में ये ज्यादा रहा है, ग्वालियर में इस माह सबसे ज्यादा 9 नवंबर को रहा 496 AQI रहा है। भोपाल में 15 नवंबर को 329 रहा है। इंदौर में 5 नवंबर को 319 रहा है। और जबलपुर सबसे ज्यादा 13 नवंबर को 315 AQI रहा है। तो निश्चित तौर पर लगातार ये वायु प्रदूषण फैलता जा रहा है। हवा में PM10 का मानक 100 के ऊपर माना जाता है खराब। तो निश्चित तौर पर लगातार ये तो 300 के ऊपर आंकड़े पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर लगातार वायु प्रदूषण फैलता जा रहा है। मध्य प्रदेश की जो 7 मुख्य शहर है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर निश्चित तौर पर काफी वायु प्रदूषण फैलता जा रहा है। पिछले 5 सालों में ये देखने आकर लगातार वायु प्रदूषण फैल रहा है। अगर यही हालत रही तो आने वाले 5 सालों में दिल्ली से ज्यादा बस से बदतर स्थिति मध्य प्रदेश के इन शहरों की हो जाएगी। बिल्कुल अंकुर जी, जिस प्रकार से जो है प्रदूषण बढ़ा है अब मध्य प्रदेश में, जहरीली हवा हुई है, कारण देखा जाए तो बहुत सारे कारण हैं। खास तौर से अगर हम सड़कों की भी बात करें और उनसे उड़ने वाली धूल, इसके अलावा कंडम वाहनों की बात करें, वाहनों की बढ़ती संख्या, और भी तमाम कई कारण हैं ऐसे जिनके कारण जो है ये मध्य प्रदेश की हवा प्रदूषित हुई है। बिल्कुल, लगातार वाहन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आबादी के हिसाब से वाहनों की संख्या काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ जो कंडम वाहन है जिन्हें एक समय सीमा के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया चाहिए या शासन को चाहिए कि ऐसे वाहनों को सड़कों पर हटा दें, लेकिन नहीं हटाए जाते, तो कई सारे ऐसे वाहन आज भी चल रहे हैं। इसके अलावा लोगों के द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है, रोडों पर धूल उड़ रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में लगातार जो प्रदूषण मध्य प्रदेश में बढ़ा है उसके कारण लगातार फेफड़े
की सांस लेने में तकलीफ वाली अस्थमा की बीमारियां लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। और पिछले 5 सालों में जो लगातार वायु प्रदूषण बढ़ा और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही एक्वाई की तो निश्चित तौर पर दिल्ली से बदतर हालात मध्य प्रदेश के इन शहरों के हो जाएंगे। जी बिल्कुल अंकुर जी, जिस प्रकार से जो है हवा प्रदूषित हुई है, ठीक है लोगों की लापरवाही तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि शासन प्रशासन की भी लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही जहां आम आदमी की है वही शासन प्रशासन की तो और बड़ी लापरवाही। शासन स्तर पर इन चीजों पर अंकुश लगाने के लिए थोड़ा सा सख्ती किया जाना चाहिए, लेकिन देखने में आता है कि जो कंडम वाहन चल रहे हैं या लोगों के द्वारा जो चिमनियों से जो उठता धुआं है उसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाना चाहिए, लेकिन नहीं की जाती है। और यही कारण है कि लगातार वायु प्रदूषित हो जा रही है। और निश्चित तौर पर जो सड़कों की हालत भी देखो, सड़कों की हालत भी बस से बदतर है। धूल उड़ती है, लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है, धूल धुआं के वजह से काफी परेशानी हो रही है। तो शासन स्तर पर भी इसके लेकर सख्ती की जाना चाहिए कि जो भी वायु प्रदूषण फैलाते ऐसे लोगों पर समय समय पर कार्रवाइयां की जाना चाहिए। बिल्कुल अंकुर जी, कार्रवाई की यहाँ पर लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नियम बना दिए जाते हैं, कानून बना दिए जाते हैं समय समय पर, लेकिन उनका पालन कहीं ना कहीं नहीं कराया जाता और इसी का नतीजा है लोग भी लापरवाही करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि नियम कानून तो सबके लिए बना दिए जाते हैं, लेकिन इन नियमों का पालन कराने की जवाबदारी जिनकी होती है वह हमें नहीं दिखते हैं कहीं कोई कार्रवाई करते रहते हो। बाजारों में आप देख सकते हैं, चाहे सड़कों पर आप देख सकते हैं, कंडम वाहन चल रहे बाजारों में, जिस तरह से वायु प्रदूषण फैलाया जाता है लोगों के द्वारा, सरकार के जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जिनकी जिम्मेदारी है वह ना तो सड़कों पर दिखाई देते हैं, ना ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक सुनने में आई है कि वायु प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में कहीं की गई हो। और यही कारण है कि लोग लापरवाही करने लगे हैं और शासन प्रशासन का माहौल लाते हैं और स्थिति ये बनती जा रही है कि भोपाल इंदौर सहित तमाम जो शहर हैं यहाँ वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बात करें स्वच्छता की तो स्वच्छता में इंदौर को नंबर वन आया है, भोपाल को भी काफी अच्छे, मध्य प्रदेश के 35 शहरों को काफी कुछ पुरस्कार मिले हैं, लेकिन वायु प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। बाकी प्रदूषण ठीक है, आपने अंकुश लगा लिया, नंबर एक पर आ गया, लेकिन वायु प्रदूषण कम नहीं हो रहा। और जो एक्वाई है वो 300 के ऊपर पहुंच गया, 100 से ज्यादा अगर एक्वाई पहुंचता है तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि 300 से भी ऊपर मध्य प्रदेश के इन 7 शहरों का पहुंच गया। तो निश्चित तौर पर चिंताजनक हालात तो बने हुए हैं। जी अंकुर जी शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश की हवा भी अब जहरीली हुई है, अभी तक तो दिल्ली की हवा बहुत खराब थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं 300 के पार AQI पहुंचा है। 7 शहर ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर AQI 300 के पार पहुंचा है, तो जहरीली हवा है और उससे कई बीमारियों का खतरा भी अब लोगों को है, सांस से जुड़ी हुई फेफड़ों को भी नुकसान जो पहुंचाने वाली ये हवा है। चलिए अब और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ KS तिवारी जी जुड़ गए हैं। KS तिवारी जी पर्यावरणविद हैं। KS तिवारी जी बहुत स्वागत आपका। जी जी धन्यवाद, नमस्कार। जी जी तिवारी जी, जिस प्रकार से आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, 7 शहर ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां की हवा जहरीली हो गई और काफी खतरनाक है लोगों के लिए, क्योंकि सांस की बीमारियां और फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियों को जन्म देती है अगर इतनी जहरीली हवा हो जाती है। जी जी मुझसे सवाल है। जी तिवारी जी,
देखिए एयर पोल्यूशन की कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती, कोई क्षेत्रीय बाउंड्री नहीं होती, ये एक नेशनल बल्कि ग्लोबल प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की या भारत के दूसरे राज्यों और शहरों की आज स्थिति लगातार बदतर हो रही है। किसी एक कारण को पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेवारी किसी पटाखों या फुलझड़ियों या दिवाली के बात हो या ऑटोमोबाइल्स की बात हो या थर्मल पावर स्टेशन की बात हो, ये एक साझा वो है, एक तरह से साझा तरह के प्रयास होते हैं जिनके माध्यम से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। और दुख की बात यह है कि आज लाइफ स्पैन यानी जीवन जीने की संभावनाएं लगातार घट रही हैं। नाजुक जो फेफड़े हैं बच्चों के वो बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और जो लॉसेस हो रहे हैं, हेल्थ डैमेज हो रही है, वो इरेपरेबल है, इरिवर्सिबल है, यानी जो एक बार डैमेज हो चुका वो फिर से ठीक नहीं होगा। तो कुछ चिंतनीय मुद्दे हैं जिनके समझने के लिए मुझे लगता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, कोई एक नीति, एक कार्यक्रम, एक योजना, एक प्लान कारगर नहीं है। हमें सरकारों को, कोर्ट्स को यानी अदालतों को, रेगुलेशंस को, समाज को, सबको कई स्तरों पर साझा प्रयास करने पड़ेंगे। इसमें आप किसी, चाहे स्टबल बर्निंग यानी कचरे के जलाना हो, या गाड़ियों का प्रदूषण हो, या एनर्जी जनरेशन सेक्टर से निकलने वाला प्रदूषण हो, एक कारण नहीं है, मल्टीपल रीजन्स हैं। हमें सभी रीजन्स को एक नेशनल प्लान, नेशनल विजन और नेशनल लॉ के तहत सभी पॉलिटिकल बाउंड्री से ऊपर उठ के एयर क्वालिटी इंडेक्स को देश के लोगों के लिए, प्रदेश के सात शहरों की बात हो या पूरे प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, हमें से ऊपर उठ के एक राष्ट्रीय एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी हमारे पास कोई योजना नहीं है। और हवा की क्वालिटी लगातार बिगड़ रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरी तरह बिगड़ रहा है। जो 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए वो प्रदेश में और देश में कई जगह 500-600 तक भी पहुंच चुका है। ये स्थिति चिंताजनक है और एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। तो मुझे लगता है इसके लिए एक नेशनल विजन, नेशनल प्लान, नेशनल पॉलिसी, और हमें एक और समाज में जागरूकता, लाइफ स्टाइल चेंज, ये सारी चीजें एक साथ मिलकर करनी होगी। बिल्कुल, एक साथ मिलकर सारी चीजें करनी होंगी, तभी कहीं ना कहीं हालात सुधरेंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो मध्य प्रदेश की हवा अभी केवल 7 शहरों के निकल के आए हैं आंकड़े, यहाँ पर काफी जहरीली हो गई है, इसके लिए क्या उचित कदम उठाए जाने चाहिए, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों की लापरवाही भी है और शासन प्रशासन की भी, जो नियम कायदे कानून तमाम बना दिए जाते हैं लेकिन उन्हीं नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया जाता है, और शासन की लापरवाही है कि लोग भी लापरवाही बरतते हैं। निश्चित रूप से देखिए, मैंने कहा, मैंने पहले भी बात की, मैंने इस बारे में फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, इसमें सबकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। सरकार की अपनी जिम्मेवारी, सरकार जो एग्जिस्टिंग कानून है एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए, उनको सख्ती से लागू करें। म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कचरा जलाने को, एस्टेबल बर्निंग को ऊपर एक नियम बनाए जिन पर लागू करें, दंडात्मक कार्यवाही अगर हो सके उनको लागू करें, समाज में शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, बच्चों में, परिवारों में, समुदायों में, लोगों के बीच एक मैसेज जाना चाहिए। यदि आपके जीवन में, आपके जीवन प्रणाली में कोई भी ऐसी हरकत होती है, चाहे वो प्लास्टिक पॉलीमर की बर्निंग हो या कचरे की बर्निंग हो या हमारे ओपन इंसिनरेशन हो या किसी भी तरह की कचरे की बर्निंग हो, उनको कहीं ना कहीं उन पर लगाम होनी चाहिए। दूसरा, ऑटोमोबाइल ये जो आपकी बात होती है, आम तौर पे एक ऑटोमोबाइल से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। जनरेटर्स जो मिट्टी के तेल या तमाम सारे इनसे चलते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लगाम होनी चाहिए। सारे प्रयासों को सरकार, अदालतें, समाज, रेगुलेशन और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो कि अंडर स्टाफ्ड हैं, उनके पास निरर्थक काम है, मुझे लगता है उन सबको, इन सबके मॉनिटरिंग के लिए और इन सब की निगरानी के लिए उनको सामने लाना चाहिए। ये सारे प्रयास मिलकर जब काम करेंगे, तब मुझे लगता है कि अचानक तो नहीं लेकिन ग्रेजुअली कुछ दिनों में, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये पूरे वर्ष भर, विंटर में ये प्रॉब्लम अक्सर होती है, हम टेलीविजन पर विंटर में यानी ठंड के दिनों में चर्चा करते हैं, जब ठंड में स्मॉग है, कोहरा है, पोल्यूशन है, ऑटोमोबाइल है, स्टॉल बर्निंग एक साथ होता है, इसलिए विंटर में इसका असर ज्यादा होता है, लेकिन हमें पूरे वर्ष इसके लिए गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे।
जी चलिए, शुक्रिया के एस तिवारी जी इस बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए। तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, तमाम जो कदम उठाए जाने चाहिए वो हमें के एस तिवारी जी ने बताए हैं। शासन प्रशासन लोग सबकी जिम्मेदारियां, सामाजिक संगठन सभी की भागीदारी से जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं जो जहरीली हवा है उसको। AQI इंडेक्स 300 के पार पहुंच रहा है, काफी चिंताजनक हालात हैं और अगर यही हालात रहे तो काफी ज्यादा बदतर और हालात बिगड़ सकते हैं, दिल्ली से ज्यादा भी हालात यहाँ पर खराब हो सकते हैं।